नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। पिछले सप्ताह में होली का एक फेस्टिवल था जो हमें संदेश देता है कि आपसी दुश्मनी को हटाकर हम कैसे सौहार्द और प्रेम की भावनाएं लोगों के बीच में जागृत कर सकते हैं। होली का से रिलेटेड मैंने कुछ उपाय भी बताए थे, जिसमें धन धान्य की प्रॉब्लम है, हेल्थ की प्रॉब्लम है, बिजनेस को किसी ने बांधा है उसकी प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल रेगुलर राशिफल और राशि के उपाय जो मैं बताता हूँ उसके अतिरिक्त है। आशा करता हूँ आपने मेरे बताए हुए वीकली रेमेडीज़ और होली का से रिलेटेड उपायों को फॉलो किया होगा। सप्ताह अच्छा रहा होगा। आने वाला सप्ताह डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों के लिए कैसा रहेगा इसके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य, शुभ रत्न है माणिक, शुभ रुद्राक्ष है एकमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पूरब की दिशा। इस सप्ताह आपको भाग्य का साथ मिलेगा, आप क्रियाशील रहेंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, कोई रुका हुआ पैसा, कोई भी वस्तु आपको वापस मिल सकती है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, बिजनेसमैन व्यापार के नए अवसर प्राप्त करेंगे, नौकरी में भी पदोन्नति के योग बनते हैं। सप्ताह करियर के हिसाब से नॉर्मल रहेगा, परीक्षा में कड़ी मेहनत करेंगे तो बेहतर परिणाम पा सकेंगे। प्रेम के लिए सप्ताह संजीदा है, लव लाइफ रोमांस से भरपूर रहेगी, जीवन साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, अवैधों के लिए नए रिश्ते आ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह थोड़ा कमजोर नजर आता है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देखा जाए सप्ताह एक एवरेज सप्ताह है, सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं जानते हैं कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को चाहिए उगते हुए सूर्य की उपासना करें, नित्य सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पण कर साथ में पीले रंग के चंदन से अर्घ दें और 11 बार सूर्य नमस्कार करें। माणिक या सोने के सूर्य वाला लॉकेट धारण करें, पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य से जाने से पहले मीठी वस्तु खाएं और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पानी पी लें। तुलसी के पौधे पर हर शाम को आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। रविवार के दिन गाय को सूर्य के समान रोटी बनाकर स्वयं के हाथ से खिलाना शुभकारी रहेगा। मुफ्त में किसी से कोई रत्न या वस्त्र नहीं लेना है। मांस मदिरा को आपको ना छूना है, ना पीना है, ना पिलाना है। सूर्य यज्ञ कराना आपके लिए शुभकारी रहेगा। सूर्य जाप भी करा सकते हैं, गायत्री यज्ञ भी करा सकते हैं। रविवार को बिना नमक का भोजन कर उपवास करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। कुष्ठ रोगों की सेवा करें, कुष्ठ रोगों के बीच में आपको दवा वितरण करना लाभदायक रहेगा। शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। यदि ये उपाय इस राशि के जातक करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। कुछ उपाय काफ़ी कॉमन हैं जो हर एक राशि को जातकों को करना, तो मेन फोकस है कि आपको अपनी जो फेवरेबल प्लैनेट हैं उनको आपको मजबूत करना है, जो आपके अनफेवरेबल प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको दान करना है। जहाँ पे राहु केतु और शनि, जनरली शनि के बारे में तो नहीं कहेंगे बट राहु और केतु जनरली नेगेटिव कार्य करते हैं, शनि जिसके लिए फेवरेबल होते हैं उनके लिए काफ़ी फेवरेबल होते हैं। शनि एक न्यायप्रिय प्लैनेट है, उनसे रिलेटेड चीज़ों का यदि आप हमेशा जो हमें पालन करना चाहिए, जो उन्होंने जो न्यायप्रिय हैं, अगर यदि आप सभी के साथ एक अच्छा व्यवहार करते हैं, माता के साथ आपका व्यवहार अच्छा है, यदि आप डेली कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, आप अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अपनी इनकम में से कुछ चीज़ें दान दक्षिणा में लगाते हैं, तो उनसे शनि महाराज हमेशा प्रसन्न रहते हैं। राहु और केतु हमेशा एक नेगेटिव प्लैनेट की तरह कंसिडर किया जाता है, उनसे रिलेटेड चीज़ों को आप यदि दान करते हैं तो आपको उनके नेगेटिव इम्पैक्ट से मुक्ति मिलती है। तो यदि ये उपाय डिफरेंट राशि के जातक जो मैंने बताए हैं, यदि ये रेगुलरली रिलीजियसली आप करते हैं तो आपका सप्ताह और आने वाले हर सप्ताह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह और आने वाले हर एक सप्ताह आपके लिए शुभकारी रहे, कल्याणकारी, मंगलमय रहे। मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।